हेलो क्लास सेकंड दिस इज योर साइंस एंड टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर थ्री ओके नाउ सी योर लेसन दिस इज योर ईवीएस बुक एंड चैप्टर क्लास सेकंड एंड योर चैप्टर नंबर थ्री योर चैप्टर नंबर इज आवर क्लोथ्स यानी हमारे कपड़े ठीक है नाउ आई एम स्टार्टिंग रीडिंग ऑल ऑफ एस लाइक टू प्ले ब्यूटिफुल हम क्या लिख दिखना चाहते हैं हमेशा सुंदर ठीक है फॉर दिस जिसके लिए हमें सुंदर और साफ कपड़े पहनने चाहिए ठीक है नाव क्लोथ्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ मालूम है हमें क्लोथ से हमारी पहचान होती है वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी और हम कपड़े क्यों पहनते हैं हमारी बॉडी को कवर करने के लिए जो हमें किससे बचाते हैं हीट कोल्ड डस्ट डर्ट इंसेक्ट्स यानी कीड़े से ठीक है एंड रेन बारिश से भी बचाते हैं आपको ठीक है दे ऐड और क्या करते हैं अपीरियंस हमारी ऐड करते हैं बिकॉज हमारे कपड़े को देख ही हमारी पहचान होती है ठीक है नाउ डिफरेंट पीपल वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स सभी तरह तरह के अलग अलग कपड़े पहनते हैं वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर और ओकेजन ओकेजन क्या होता है जैसे कोई त्योहार है या कोई घर में फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हम कपड़े डालते हैं ठीक है नाउ फर्स्ट पॉइंट आपका देखिए नीचे इन समर्स वीयर वी वियर कैसे कपड़े पहनते हैं हम लोग कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं जो हमें क्या रखते हैं ठंडा रखते हैं ओके नाउ ऑन योर नेक्स्ट पेज नाउ इन विंटर्स वी वुल क्लोथ्स विंटर आपको मालूम है सर्दियाँ, जिसमें हम क्या पहनते हैं गरम कपड़े ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि हम अपने आप को गरम रख सकें. ठीक है नाउ थर्ड वाला स्टार है आपका ड्यूरिंग रेन्स रेन्स क्या होती है हमारी बारिश यस वी वेयर रेन कोट पहनते हैं हम लोग एंड गम बूट्स ठीक है गम बूट्स यानी वो हमारे शूज़ जो पैरों के अंदर उससे पानी नहीं जाता है वो हमारे क्या पैरों को भी सूखा रखता है ठीक है और पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स हमें मालूम है डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री जो हैं डिफरेंट डिफरेंट यानी तरह तरह के कपड़े डालते हैं ठीक है जो हमारे अलग अलग जिसके मटेरियल अलग अलग होते हैं ठीक है और स्टफ़ अलग होता है जैसे कोई नायलोन का कपड़ा हो गया कोई कॉटन का हो गया कोई वुलन का हो गया इस तरीके से हमारे बहुत अलग अलग कपड़े होते हैं ठीक है नाउ द क्लोथ्स वी वियर आर मेड बाई यूजिंग डिफरेंट मटीरियल एंड स्टफ्स एज आई टोल यू बी ठीक है नेक्स्ट वन इज आपका क्या है कॉटन क्लोथ्स कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा सूती कपड़े ओके नाओ कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन थ्रेड कॉटन यानी सूती धागे से बनते हैं ये कपड़े जो हम कब पहनते हैं गर्मियों में पहनते हैं बिकॉज ये हल्के कपड़े होते हैं एंड ऑब्जॉर्व स्वेट ईजीली एबजॉर्व यानी हमारे जब पसीने आते हैं गर्मी में उसको क्या कर लेता है ये एब्जॉर्व कर लेता है ताकि हमारी बॉडी गीली गीली ना रहे ओके नाउ दे बस कूल इन समर ये हमें समर्स में गर्मियों में यानी ठंडक देते हैं ठीक है और जो किससे बनते हैं कॉटन हमें मालूम है अभी मैंने बताया था कॉटन क्लोथ प्लांट से बनते हैं ठीक है और इनको क्या किया जाता है कॉटन बॉल्स को ग्रो करती हैं कॉटन के प्लांट पे और वहाँ से इनको लेके हम क्या करते हैं उनको पफ करते हैं साफ़ करते हैं और उनको फिर थ्रेड के रूप में आपको देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एज यू कैन सी ये आपका कॉटन प्लांट है ये इसकी बॉल्स है, इसके बॉल्स हैं इसके ऊपर दिखाई दे रही है आपको इसको फिर क्या किया गया साफ सफाई करने के बाद इसको एक थ्रेड में बनाया गया ठीक है और इस थ्रेड को बनाने के बाद सामने आपका राइट में इसको स्पिनिंग मशीन होती है स्पिनिंग प्रोसेस होता है एक क्या प्रोसेस होता है मेकिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन बॉल्स इन कॉटन की बॉल से जब हम धागा बनाया जाता है ठीक है फ्रॉम द कॉटन बॉल से इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग और जब वो वीवर होता है यानी हमारे कपड़े को कतरने वाले जो होते हैं ठीक है थीके? उसको बोला जाता है कि जब वो अपने कपड़े को तैयार करता है उस प्रोसेस को बोला जाता है वीविंग और जो वो इसका इस कपड़ा बनाने के काम जो करते हैं उसे बोला जाता है वीवर ठीक है नाउ लूम इज आल्सो यूज़ टू मेक द कॉटन क्लोथ्स एक लूम भी होती है जिसे हम कॉटन क्लोथ्स को बनाने के लिए यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज कॉटन बॉल्स अभी मैंने दिखाया था अभी आपको कॉटन बॉल्स कैसी होती हैं यहाँ से देखिए सेकेंड प्रोसेस में सबसे ऊपर समझा रही हूँ मैं आपको यहाँ पे ये इस मशीन से क्या किया इन्होंने थ्रेड बना लिया एंड आफ्टर दैट थ्रेड बनाने के बाद उन्होंने सामने क्या बना दिया कॉटन फाइबर से ये कपड़ा तैयार कर दिया ओके नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक है वुलन क्लोथ्स वुलन क्या होते हैं हमारे ऊनी कपड़े जो हम क्या करते हैं सर्दियों में डालते हैं ठीक है वुल इज़ यूज टू मेक द और ऊनी कपड़े को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है वुल की ज़रूरत होती है ठीक है नाउ हम मैंने आपको इससे पहले भी आपको बताया था कि हमें वुलन जो कपड़े होते हैं हम कब पहनते हैं सर्दी में जो हमारी बॉडी को वॉर्म रखते हैं और ये वुल हमें किससे मिलती है शीप के हेयर से शीप हमारी दिखाई दे रही है आपको नीचे वो बच्चा बैठा हुआ शीप के ऊपर इससे हमें और जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं तो उनको सर्दी से बचने के लिए सर्दी आने से पहले ही इनकी बालों को निकाल लिया जाता है उनको साफ़ किया जाता है एंड देन स्पन इन टू यान और उनको धागे में ये दिख रहा है गोला गोला आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे हाँ इसके ऊ इसको यान में रेडी किया जाता है उसके बाद इसको वुल इससे वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं फाइन बेटा पीपल ऑल्सो नेट वुलन क्लोथ्स क्लोथ्स टू मेक वुलन जैकेट्स सॉक्स स्वेटर्स एंड कैप्स हमें मालूम है हम डालते नहीं सारी चीज़ें पहनते हैं सर्दियों में ठीक है नाओ नेक्स्ट वन इज सिल्क क्लोथ्स सिल्क हमारा थोड़ा सा रेशमी कपड़ा होता है जो हम ज़्यादातर कब डालते हैं ये yes, जब कोई ओकेजन होता है ठीक है जो किससे बनता है सिल्क थ्रेड से और जो हमें सिल्क मिलता है वो कौन सा होता है कीड़ा ये सिल्क वॉम सिल्क वाम हमें सिल्क देता है द होम ऑफ द सिल्क वम का घर किसको बोला जाता है कोकून इसका मतलब हमारा जो सिल्क वॉम है वो कोकून में रहता है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये आपको कीड़ा दिखाई दे रहा है छोटा ये हमारा सिल्क वाम है ये आपका इसका ये पेड़ ये जो पत्ता लग रहा है ना आपको दिखाई दे रहा है ये कोकून होता है इस कोकून के ऊपर ये रहता है और इससे फिर हमारा सिल्क का थ्रेड बनता है और सिल्क के थ्रेड से हमारा सिल्क साड़ी या सिल्क के कपड़े तैयार किए जाते हैं ठीक है नाउ लेदर क्लोथ्स क्या होते हैं वी गेट लेदर किससे मिलता है हमें लेदर वी गेट लेदर फ्रॉम दिल्क स्किन ऑफ एनिमल्स हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन को पाकर और उससे हम क्या करते हैं लेदर पाते हैं लाइक like, किस किस किसके स्किन लेते हैं राइनासोस काव्स शेप्स हॉर्स कैमल्स एंड एंडलोस इनके स्किल्स स्किन लेकर हम लेदर कोट्स बनाते हैं क्लोथ्स ठीक है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स शूज है हमारी बेल्ट हो गई पर्स है एंड द लेदर प्रोडक्ट्स ये सारे जैकेट भी हो गई हमारी ये सारे लेदर से मिलते हैं हमें ओके नाउ नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स नेचुरल क्या होते हैं जो हमें प्राकृतिक खुद से देती है ओके okay? यानी जिसमें एक ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरप्शन नहीं होता है ठीक है फाइबर्स आर ऑपटेड फ्रॉम द प्लांट से मिलती है एंड एनिमल से जिसे हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं कि कोई इंसान नहीं बनाता है इन्हें ठीक है जिन्हें बोला जाता है नेचुरल फाइबर्स ओके नाउ अब नेक्स्ट लाइन में देखिए मैन मेड फाइबर इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स ठीक है मैन मेड हमारे जो फाइबर होते हैं जो एक इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं जिसको केमिकल्स के थ्रू केमिकल्स से तैयार किया जाता है ठीक है नाउ कॉटन हो गया हमारा वुल सिल्क ये सभी एग्जाम्पल्स हमारे नेचुरल बिकॉज देखो अभी हमने किया था कॉटन हमें किससे मिलती है कॉटन प्लांट से ठीक है और हमने वुल का किया था वुल हमें किससे मिलती है एनिमल से मिलती है ना शीप से ठीक है और उसके बाद हमारा सिल्क है सिल्क मैंने आपको बताया था कि सिल्क हमें किससे मिलती है सिल्क वॉम से तो ये हमारे हो गए सारे नेचुरल फ़ाइबर्स ठीक है नाउ नाइलॉन हो गया एंड रेन ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं मैन मेड क्योंकि कोई इनको एनिमल नहीं बनाता कोई प्लांट नहीं बनाता ये ह्यूमन बनाते हैं तो इन्हें बोला जाता है मैन मेड फाइबर्स यानी मैन के द्वारा बनाए गए फाइबर्स ओके नाउ नायलॉन एंड रेन आर द एग्ज़म्पल्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स लाइक यूनिफॉर्म्स हमारी यूनिफॉर्म्स होती हैं क्योंकि हम अपने घर से बाहर जाते हैं या किसी ओकेजन में हम कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं नहीं पहन के जाते ना या तो हम स्कूल जा रहे हैं या हम किसी जॉब पर जा रहे हैं जो हमारी पर्टिकुलर जॉब होती है जिसमें हम अपनी यूनिफॉर्म को पहन के जाते हैं ठीक है जैसे क्या है इनकी इनको यूनिफॉर्म के थ्रू क्या कहना चाह रहा है ये कि वी वी आर द स्पेशल यूनिफॉर्म्स या ड्रेसेस होती हैं जो किसी जॉब के लिए या किसी स्टडी वगैरह के पर्पस में पहनी जाती है ठीक है जैसे कौन कौन होते हैं हमारे डॉक्टर हो गए नर्स हो गए पुलिस मैन हो गए लॉयर हो गए हमारे एस्ट्रोनॉट आपको स्क्रीन पे सभी दिखाई दे रहे हैं ना बेटा मैं जिनको बोल रही हूँ ये सभी हमारे क्या पहनते हैं यूनिफॉर्म्स पहनते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे पुलिस मैन है हमारे एस्ट्रोनॉट हो गए सोल्जर डॉक्टर एंड स्टूडेंट एंड लॉयर ऑल्सो ये सभी हमारे क्या पहनते हैं यूनिफॉर्म्स पहनते हैं ओके नाउ अभी हमने पूरा लेसन क्लियर कर लिया है अब आपके सामने मैंने आंसर की आपको शो की है जिसमें क्वेश्चन ए है आपका टिक राइट द करेक्ट वन आपके सामने एक क्वेश्चन है थ्री क्वेश्चन हैं जिसके और एक के तीन तीन ऑप्शन हैं और जिसके राइट right आंसर्स मैंने स्क्रीन पे दिए हैं यू हैव टू करेक्ट इट ठीक है नाउ बी क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स जिसमें आपके फोर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ठीक है बेटा और फोर्थ इन द ब्लैंक्स के आंसर्स मैंने गिवन की लिख दी आपको स्क्रीन पे जिसमें फोर्थ में आपके दो ऑप्शन हैं जिसके आंसर्स आपने देख लिए ना स्क्रीन पे यहाँ से आप उसे कंप्लीट करेंगे ओके okay? नाउ अब आपका सी क्वेश्चन है सी क्वेश्चन इज ऑर्ट मैच द फॉलोइंग फर्स्ट को आप मैच करेंगे डी से सेकेंड को ई से इस तरीके से आप अपना मैच द कॉलम का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ओके okay? नाउ अब आपकी स्क्रीन पे है बेटा ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन ठीक है ये आपके टी एफ एफ टी ये मैंने आपको आंसर्स गिवन कर दिए ठीक है नाउ आप क्वेश्चन नंबर ई है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वी वीयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी इस तरीके से मैंने आपके सिक्स क्वेश्चन हैं आपकी सिक्स है. क्वेश्चन में मैंने इसको क्या कर दिया है सिक्स आंसर्स को मैंने आपके स्क्रीन पे दे दिया है जहाँ से आप अपने सिक्स आंसर्स को अपनी नोटबुक में और बुक में कंप्लीट करेंगे ओके okay क्लास इसके बाद मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नेक्स्ट लेसन लेकर आऊँगी ओके क्लास बाय